जी इसलिए आए हो। आपके पिता का हुक्म है कि पूर्णमल जहाँ कहीं भी हो मैं तकड़ी के मेरे पास लाओ, आपके पिता आपको खुद कत्ल करेंगे। लेकिन मेरा कसूर? ये मेरे को मालूम नहीं है, सिर्फ हथकड़ी लगा के महाराज के पास आपको पेश करना है, ये ऑर्डर है आपके पिता का। सजनों पूर्णमल एक इशारे में सब कुछ जान गया कि जो भी कारनामे हैं किसी और के नहीं सिवा तेरी मौसी के, क्योंकि सजनों पहले कह दिया गया था कि पूर्णमल या तो मेरे से इश्क कर ना एक दिन वो होगा मैं आपको जान से मरवा दूंगी। तो सजनों वो नजारा याद आया और क्या कहने लगे सुनिए। सोचे कोना के यो अपना शेख करा
ये तीसरी बात आ गई पुरणमल और रूपेश अजवाल और क्या है मेरी मौसी मेरे साथ क्या करना चाहती क्या मुझे बताती मेरी अभी शर्म आती है नहीं बताइए अरे मेरी मौसी ने लगो करना था खुद पे देखा मेरे काला रे मेरे पई मंदे में दान डोब की कोर रोप दिया चारे मेरे पन्ने घरा में जन्म आन दे को खटे करमा मेरे आड़ा रे मेरे नीच कर्म ते पूछ खरा का नीच भिड़ा दे नमस्कार नमस्कार आइए आपका लड़का हाजिर है सामने कीजिए पिताजी को मैं नमस्कार करता हूँ नमस्कार आइए आइए भाई साहब बैठिए महाराज आपके लिए आज कुर्सी तैयार है महाराज हाँ ये आपका लड़का है आप इसको भाई साहब कह रहे हो नहीं नहीं आज तो हमारा लड़का नहीं रहा है क्यों आज तो हमारा बराबर का भाई लगता है आज से हाँ किस वजह से मैंने इसको कहाँ भेजा कहा अपनी मौसी के पास में इसकी मौसी के पास में भेजा इसकी मौसी के पास में अच्छा दर्शन करने के लिए दर्शन करने के लिए दर्शन नहीं किए इसने हाँ क्या किया जाके इश्क फरमाया महाराज ये ऐसा नहीं कर सकता ये भगत है नहीं नहीं मैं इसको कत्ल करूंगा नहीं मैं आपको कत्ल नहीं करने दूंगा नहीं नहीं छोड़ू नहीं शादीवान हाँ मेरी तरफदारी बिल्कुल मत करे क्यों मैं पिताजी से बात करना चाहता हूँ करिए पिताजी बोलिए क्या कहते हो आप दर्शन करने गए थे क्या कहते हो आप पिताजी मैंने अपनी मौसी के साथ इश्क किया था इश्क किया इश्क किया है क्या नहीं पिताजी मैं आपके साथ बहस इसलिए नहीं कर रहा हूँ किस लिए कि आप मेरे बाप हो लेकिन पिताजी
या तो मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता है कि मैं अपनी मौसी के साथ किस तरीके से पेश आया। लेकिन कहिया बोलिए पिताजी, मैंने अपनी मौसी के साथ इश्क नहीं किया। अच्छा, यकीन करिए आप मेरा। आप बाहर हुई है, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हराम जादे, तुल के दागी नाला चंडाल बदकार। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए। बोलिए मेरा राम जाने तो
चारों पति। और क्या कहते हो कि मैंने अपनी मौसी के साथ इश्क किया है? क्या है इश्क तो बहुत बड़ी बात है पिताजी। जहां मेरी मौसी खड़ी हुई थी, अच्छा उस जगह को मैंने पवित्र समझकर अच्छी समझकर क्या किया? क्या किया आप वर्णन भी नहीं कर सकते। बताओ क्या? हाँ बताइए। और मौसी के चेतावनी दी थी कि पूर्णमल या तो मेरे से इश्क कर मेरे से फिर मरद का नाता कर। अच्छा ना एक दिन वो होगा मैं तेरे को जान से मरवा दूंगी। वो नजारा आया था। नजारा आया था हाँ। पर आवाज कहां से आई? अरे मेरी काचा क्या बोले पूरे तो निकले जिस मौसी की चाची थी शर्माऊं सू आपका नाता।